हेमंत राय जी की फैमिली की बीच में। राजनीति के इस रण में न जाने आज तक कितने रिश्तेदार शाही हो चुके हैं। जीत हार और कुर्सी की लालसा ने अब कांगड़ा के एक शर्मा परिवार को अपने लपेटे में ले लिया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज नगर परिषद कांगड़ा के शपथ समारोह में भी देखने को मिला। नगर परिषद कांगड़ा के शपथ समारोह के दौरान शर्मा परिवार के दोफोड़ होने के आज साफ संकेत मिलने से शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। आज नगर परिषद अध्यक्ष पद पर रेणु शर्मा ने काबिज होने के बाद ऐलान कर दिया कि आज स्वर्गीय पंडित बलवंत राय शर्मा की बहू अध्यक्ष पद पर काबिज हुई है और यह जीत पंडित बलवंत राय परिवार की जीत है। जबकि इससे पहले जब भी शर्मा परिवार का कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनता था तो पंडित बालकृष्ण शर्मा का नाम चर्चाओं में रहता था, जो कि आज इस समारोह में कहीं भी सुनने को नहीं मिला। जहां भाजपा नेता मुनीश शर्मा उनके पिता पंडित वेद प्रकाश शर्मा ने समारोह से दूरी बनाई रखी, वहीं इस राजनीतिक आंतरिक कलह की पुष्टि शर्मा परिवार के दूसरे धड़े की ओर से भी अप्रत्यक्ष तौर पर कर दी गई है। पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में पार्षद बनी कोमल शर्मा ने मंगलवार को शपथ समारोह में भाग न लेकर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। देखिए ये पार्षद और बिल्कुल सबको एजेंडा गया है कमेटी से, अभी उनके अपनी खा जाएंगे वो भी। ये जो जीत है ये श्री बलवंत राय जी की फैमिली की जीत हुई है, उनके आशीर्वाद और श्रीमती सुमन शर्मा जी जो कि पहले प्रधान रह चुकी हैं, अशोक शर्मा मेरे पति जो प्रधान रह चुके हैं, उनकी देख रेख में हम सब मिलजुल कर कांगड़ा का विकास का कार्य करेंगे। उज्ज्वल हिमाचल के लिए कांगड़ा से स्पेशल रिपोर्ट।